बीते करीब 1.5 महीने से एक परिवार अपने बच्चे की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा है। पुलिस के पास भी मदद की गुहार लगा लगा कर थक चुका है, लेकिन अभी तक वर्दीधारी उसका कोई सुराग नहीं लगा सके। जानकारी के मुताबिक लड़का स्कूल जाने के दौरान अचानक कहीं लापता हो गया। अब बच्चे का कोई पता नहीं चल पा रहा है। दूसरी तरफ विदेश से उसके परिजनों के पास धमकी भरे फोन भी आ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि फोन पर लापता बच्चे के घर की महिलाओं से अश्लील बातें भी की जा रही हैं। बच्चा कितने दिनों से गायब है और अभी तक के क्या पुलिस ने ढूंढा होगा कुछ ऐसा? 5 जुलाई से गायब है, अभी तक नहीं पता लग रहा। कहीं ढूंढा आप लोगों ने? कहाँ कहाँ ढूंढा? हाँ, लखनऊ में, बाराबंकी में कहीं ढूंढा रहा था, कहीं खाई में, गाँव में भी गया। अच्छा, तो कैसा था पढ़ने में, कैसा था बच्चा? बच्चा ठीक, पढ़ने में तेज था सर। कोई रंजिश हो या कुछ? नहीं, कोई रंजिश नहीं था। गांव में हमारा छोटा वाला भाई है, लड़का है, तो उसके साथ में दोनों साथ में खेलते थे, बस कहीं नहीं जाते थे। तो जब से बच्चा 1.5 महीने से गायब है, आप तो बड़ी परेशान है। हाँ सर, परेशान तो वही है। SP साहब कुछ कार्रवाई कर ही नहीं रहे हैं, हमको क्या कुछ मालूम ही नहीं हो रहा कि मतलब हमारे बच्चे की खोजबीन हो रही है। ना कोई शहर देखा गया अपने स्तर से, मैंने लखनऊ देखा, कानपुर देखा, दिल्ली गए, यहाँ बाराबंकी में खोजा, और कुछ पुलिस के हिसाब से हमारी समझ में आ ही नहीं रहा कुछ संदिग्ध जगह वहाँ पर क्यों नहीं देखा जा रहा। कार्रवाई पहुँची है, पुलिस ने उस पर काफ़ी जांच पड़ताल किया है। उसमें एक तो प्रथम दृष्टि अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था थाना कोतवाली में, क्योंकि उनके चाचा यहीं पर रहते हैं और बच्चा यहीं पढ़ता था। और उसके बाद से उसके जो हमारे जो SOP होती है उसमें कई कार्रवाई करनी पड़ती है, पंपलेट छपवाना, ट्यूब निकलवाना, सदगा दिलवाना, ये भी काम किया गया था। उनके घर वालों ने एक फेसबुक ID बनाई थी उसी बच्चे को ढूंढने के लिहाज से ही, जिसमें उनके चाचा का घर के नंबर और कोतवाली के नंबर थे। उस नंबर पे विदेश से कॉल आया था और वो कॉल ये जानकारी देने के बदतमीजी की बात ज़्यादा करता था, लड़के के बारे में कम करता था और झूठ बोलता था कि वो लड़का उसके पास है। उसको पुलिस ने काफ़ी मेहनत करके केरला पुलिस के माध्यम से ट्रेस किया था और उसका डिटेल निकाल करके पता किया तो मालूम हो बदतमीजी के लिए बात करता है। और उसमें वो इंस्पेक्टर कोतवाली का भी जो नंबर दिया गया था फेसबुक पर, उस पर उसने फ़ोन किया था। सब चीज़ें ट्रेस हुई थी, पुलिस भी महाराजगंज गई थी और भी कई लोगों को गई थी, तो अभी तक बच्चा मिला नहीं है। उस केस में तो जो आदमी का है अभी तो कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं और इसमें काफ़ी हद तक पुलिस ने कार्रवाई कर ली है। कोई कार्रवाई फिलहाल शेष नहीं है, लेकिन हम आगे भी खोज भी रखे हुए हैं। जगह जगह जो अन्य जगहों में जो सुर्खियाँ FIR दर्ज होती हैं या और भी जो अच्छी बुरी खबरें आती रहती हैं, मैसेज आते रहते हैं, वहाँ भी कर दिया जा रहा है। चाइल्ड केयर पर भी हम लोग नोट करा दिए हैं। हर जगह इसके लिए जांच पड़ताल की जा रही है, काफ़ी कार्रवाई पुलिस ने किया है।